Hello students, how be you? I hope that you all have been working very very hard with your studies, especially with the help of English classes Sanjeev Goswami. Okay, today in this video we are going to know about past perfect tense, the sentences of past perfect tense to change them into passive form or passive voice. तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले रूल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन V3 बाय एंड सब्जेक्ट. I think that this is the easiest form of passive form, passive voice. ये सबसे आसान रूल होगा ये. क्यों? अभी बताते हैं आपको. एग्जाम्पल देखिए, I had eaten food. In which I subject, eaten verb, food object. And when we change it into passive form, passive voice, then we have to choose object, food. Then had been V3 already there, eaten by an object I into me. So why I have told you that this is the easiest form of passive form, passive voice? क्यों कहा मैंने? Because अब आप ध्यान से देखिए, active और passive में से हमने helping verb कौन सी use की? Had, जो कि पहले से ही थी. और हम रूल में देखेंगे कि इन एवरी दिस सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ टेंस पास परफेक्ट, वी हैव टू यूज हैड. यहां पर हैज और हैव का भी कोई कंफ्यूजन नहीं. हर बार हैड उठाना है, वहीं से ला के लगा देना है. बीन कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सब में हम हैड के साथ बीन लगाएंगे. तो हैड भी यही है, बीन अपने पास से लगाना है. थर्ड फॉर्म ऑलरेडी देयर, बाई सब्जेक्ट की अब तक हमें आदत पड़ी गई है. हमें क्या चेंज करना है? हमें इतना चेंज करना है कि सेंटेंस को ऑब्जेक्ट उठाकर पहले लाना है, सब्जेक्ट को उठाकर बाई के साथ में पीछे लाना है, और अपने पास केवल एक चीज लगाना है, दैट इज बीन, जो कि अब तक हमें याद हो गई होगी. कैसे याद हो गई? परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट सेंटेंस में हर बार हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, एक्टिव से पैसिव में, एंड विच इज बीन. ठोक ओके, ये बो वाली बीन नहीं है, बीन है, बी डब्ल्यू एन, इट इज नॉट हार्प. अब हम नेगेटिव का रूल देखें, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन V3 by subject. Now the example, I had not eaten food. I subject, eaten verb, food object. The food had not been eaten by me. कैसे हो गया ये? सबसे पहले क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट, हमने फूड उठा लाए. फिर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन कुछ है ही नहीं, पूरा लाके सेम टू सेम रख देना है. तो ईटन में कौन सी आफत है? ये भी तो वहीं से उठा लाए. बाई हमें हर बार लगाना ही था, और आई का मी हमें पता लग ही गया. सिंपल, यू कैन डू इट एंड यू विल. अब इंटरोगेटिव का रूल देखेंगे, इंटरोगेटिव का रूल कुछ इस तरह से होगा. कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ नया नहीं है. हैड पहले आएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट है, बीन है, V3 है, बाई है, सब्जेक्ट है, एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क इज देयर. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. हैड आई
eaten food, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। इसे ब्लू से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द क्वेश्चन। कुछ नया तो नहीं है। आइए रूम को फॉलो करते हैं, पैसिव करते हैं इसे। सबसे पहले क्या था, हैड। कितना इजी था, हैड था, हैड है और हैड ही रहेगा, है ना। इजी है, कुछ नया नहीं है इसमें और कुछ मुश्किल नहीं है। बस फूड को इधर लाना है, फूड अपने पास से केवल एक बीन लगाना है, ईटन बाय और माय इधर आकर मी। सिंपल हो गया, हाउ सिंपल इट इज। जस्ट एंजॉय दिस रूल एंड डाइजेस्ट दिस। एक बार इसे ग्रहण करिए, हजम कर लीजिए इन सारे रूल्स को। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव चेंज करना। एक और एग्जांपल कराते हैं, जो मैं हमेशा सोचता हूँ बच्चों को आना ही चाहिए। चलो थोड़ा चेंज करते हैं। व्हाट हैड यू ईटन, तुमने क्या खाया, तुम क्या खा चुके थे। तो इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो यू सब्जेक्ट है, ईटन वर्ब है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो यहीं से पकड़ लेंगे। व्हाट हैड बीन ईटन बाय यू, व्हाट हैड यू ईटन, तुम क्या खा चुके थे, तो तुम्हारे द्वारा क्या खाया जा चुका था। व्हाट हैड यू बीन ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या खाया जा चुका था। इस तरीके से हम इन रूल से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।